हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ आ रहा है, एसएमई आईपीओ है, ज़बरदस्त आईपीओ है, फाइनेंशियल वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है, एचएनआईज़ का भी है, और हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी रखा गया है। ये आईपीओ को अच्छे से रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे और ग्रे मार्केट प्रेम क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। सारी बात सारी चीज़ें इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पे स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। चलो आईपीओ को अच्छी तरह एक बार रिव्यू कर लेते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में, नाम है स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ की डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ को ओपन हो रहा है। सब्सक्रिप्शन इसका 9 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में 14 जून 2023 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 169 रुपीज़ से 173 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। यानी ये कह सकते हैं आईपीओ अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 173 रुपया जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है उसके ऊपर पार्टिसिपेट करें, जिसपे ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपया रखा गया है। आईपीओ साइज़ 102 से 105 करोड़ का यह आईपीओ है जो एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। करीब देखा जाए तो इसके अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है 800 शेयर्स का रखा गया है। एक एसएमई आईपीओ है और बहुत बड़ा ये आईपीओ आ रहा है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं आईपीओ की डिटेल और भी क्या वो देख बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में। तो देखा जाए ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड जो बिजनेस है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग सर्विस के अंदर एक काम करती है और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। 2023 के अंदर कंपनी सर्व मोर देन 225 क्लाइंट डोमेस्टिक एज वेल एज ऑफशोर मार्केट के अंदर। द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स डेटा बेस इज द की असेट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ऑन December 31, 2020 द एंटिटी हैज़ 215,660 पर्सनल एम्प्लॉयड deploy various location for the client. The company has promoted Mr. Vidur Gupta, Mr. Siddharth Agarwal. They hold the combined experience of 28-year staffing industries. The Spectrum Talent Management offers to wide array of services such as payroll, recruitment, onboarding, and flexible staffing. They have a comprehensive network structure, process, professionalism, and strong वर्क एथिक्स स्ट्रॉन्ग स्टेइंग द टॉप इंटैक्ट ऑन द ग्लोबल स्केल। द कंपनी हैज स्टाफ द कंपनी स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट नीड्स द ग्लोबली अप्लाई द स्पेशली रिच नॉलेज। देखा है तो कंपनी की और भी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। ये कह सकते हैं कंपनी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज और स्टाफ सर्विस के अंदर काम करती है और भी क्या डिटेल है वो भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। उसकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ ये एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करती है, स्टाफिंग का वगैरह का काम करती है। इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे ये इन्होंने बताया इंडिया, यूके और इसी यूएसए के अंदर भी इनकी सर्विस है। और जो मेन इनके सर्विसेज है वो भी दिया गया है, जो ग्लोबल सर्च एंड सिलेक्शन प्रो, जनरल स्टाफिंग और साथ साथ में और भी जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है इसके अंदर वो भी दिया गया। और उसके जो मेन क्लाइंट है वो भी इनके अंदर बताया गया, जैसे सीएल, डेलॉयट, टेक महिंद्रा, पेटीएम, टाइम वगैरह और साथ लुपिन, आईटीसी वगैरह के अंदर भी ये बहुत सारे जो कंपनी के साथ इनका टाइप जो स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। चलो आईपीओ और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन। बात करें स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में तो इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो मार्च 2020 में टोटल असेट थी 40 करोड़ 81 लाख की, रेवेन्यू आया था करीब करीब 323 करोड़ 62 लाख का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 76 लाख का हुआ था। नेटवर्थ कंपनी करीब करीब 15 करोड़ की थी, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 10 करोड़ का था और बोरोइंग यानी उधार भी करीब करीब 4 करोड़ 22 लाख का था। क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया वो लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट्स 46 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था 302 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 4 करोड़ 76 लाख का। नेटवर्थ कंपनी के 19 लाख की हो गई थी, रिजर्व एंड सरप्लस 10 करोड़ का हो गया था और
टोटल बोरोइंग भी उधार करीब करीब 60 लाख का हो गया था। बात करते हैं 2022 के अंदर, तो टोटल असेट थी करीब करीब 64 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था 483 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़ का था और नेटवर्थ कंपनी की 28 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का करीब करीब 19 करोड़ का हो गया था और बोरोइंग भी करीब करीब 10 करोड़ की चढ़ गई थी। और दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो करीब करीब टोटल असेट जो कंपनी की 86 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 5 करोड़ 84 लाख का था और टोटल प्रॉफिट 20 करोड़ का आया था और नेटवर्थ कंपनी की 48 करोड़ की हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस 30 करोड़ का हो गया था और टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो 2 करोड़ 55 लाख की टोटल कंपनी के ऊपर उधार भी है। अगर बात करते हैं कंपनी की डिटेल में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 6 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 20 करोड़ की हो गई कंपनी के। देखा जाए 3 साल में कंपनी की करीब करीब जो ग्रोथ हुई है वो 3 से 4 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला और रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब कंपनी का 323 करोड़ से डायरेक्ट 584 करोड़ का रेवेन्यू भी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 10 करोड़ से डायरेक्ट 30 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी, यानी कि ये कह सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और हो सकता है इसके अंदर ज़बरदस्त हमको तेज़ी भी देखने को मिले। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो साथ साथ में सब्सक्राइब करें। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में अगर डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 9 जून 2023 से स्टार्ट होगा और 14 जून 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ प्राइस 169 से 173 के बीच में रखा गया। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 173 पे ही ले, जिस पे ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। लॉट साइज का 800 शेयर्स का रखा गया है और टोटल इशू साइज देखा जाए तो 105 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, जिसके अंदर कुछ ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है और कुछ फ्रेश इशू भी इसके अंदर रखा गया है। देखा जाए तो ज़्यादातर इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है और साथ साथ में फ्रेश इशू भी रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं लिस्टिंग के, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा एनएससी एसएमबी की वेबसाइट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा और जिसके अंदर रिजर्वेशन रखा गया यानी कोटा देखा है तो इस आईपीओ के अंदर, इस एसएमई आईपीओ के अंदर भी 50% करीब करीब क्यूआईबीज को भी पोर्शन रखा गया है और एचएनआईज का 15% रखा गया है और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर्स ऑफर हुए हैं 35% रिटेल को भी इसके अंदर ऑफर हुए हैं। चलो आईपीओ की डिटेल और क्या टेंटेटिव टाइम टेबल वो भी देख लेते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जो 9 जून से स्टार्ट होगा और 14 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की, तो हमको इसके बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 19 जून 2023 को हमको इसका बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा 19 तारीख को, और उसके बाद रिफंड 20 तारीख को हो जाएगा और 21 तारीख को डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद मेन डेट आती है कंपनी की लिस्टिंग की, तो 22 जून थर्सडे के दिन रहेगा 22 जून 2023 को ये स्टॉक मार्केट पर हमको लिस्ट भी होते हुए देखने को मिल सकता है मिलेगा। और चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में, तो जैसे देखा जाए इस आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है, मिनिमम रिटेल के लिए 1 लॉट रखा गया है। रिटेल 1 लॉट ले सकता है जिसके अंदर 138,400 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे शेयर्स जिसमें मिलेंगे करीब करीब 800 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 138,400 अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो यानी एचएनआईज की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा। जो शेयर्स मिलेंगे 1600 और अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 276,800 इसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और साथ साथ में अगर किसी भी शेयर्स के अंदर किसी भी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने ओन रिस्क पे पार्टिसिपेट करें और खासकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।